हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं एक टॉर्च लेकर आया हूँ, जो कि ये टॉर्च बिल्कुल डेड में था, जो कि जल नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप भी इस तरह टॉर्च को घर में ही बना सकते हैं। इसको एक बार खोल के चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं, इसको बैटरी निकाल दिया हूँ, 1 बैटरी है। और इसका जो था किट, इसको भी खोल के ओपन करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब देख सकते हैं ये टॉर्च का ये कलेक्शन ही टूटा हुआ था, तो इसको मैं अच्छे से चेक करके, शायद इसके अंदर डायोड वगैरह है, इसको भी खोल के चेक कर लेता हूँ, शायद तार वगैरह टूटा हुआ है क्या। आराम से खोलना है, हड़बड़ी से नहीं, जो कि ये टूट ना जाए, आराम से निकालना है इसको। देखिए इसका तार भी टूटा हुआ है दोनों, आराम से निकाल लेते हैं इसको पहले, सबसे बिल्कुल सावधानी से निकालना है इसको, ताकि टूटे ना। देखिए बिल्कुल निकल गया है, इसका चार्जर भी साथ में कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको चेक करेंगे एक बार, तो यहाँ पे तो टूटा हुआ नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ दो तार ही छूटा हुआ था। पर इसको अच्छा से शोल्डर जो था उसको हटा देता हूँ, उसके बाद से दो तार कनेक्ट करूँगा अच्छा से, ताकि वो चेक करने में सुविधा रहे, पता चल जाए ये कौन सा तार है। एक बार इसको चार्जर से चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर में, क्या करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं मल्टीमीटर में, ये मेरा वोल्टेज शो कर रहा है 3 वोल्ट, मैक्सिमम 3 वोल्ट 4 वोल्ट शो कर रहा है। अब देख सकते हैं इसको अच्छा, जिस तरह खोले थे उसी तरह सेट करना है अच्छा से देख के, ताकि गलत सेट ना हो। हो गया, अब इसको बंद भी कर दिया हूँ। अब इसको एक बार बैटरी लगा के चेक कर लेता हूँ। इसका तार ही सोल्डर अच्छा से नहीं हुआ है, देखिए बिल्कुल ओके है। इसको एक बार सेट करके ही चेक कर लेते हैं अच्छा से। सेट करने के बाद ही चेक करेंगे एक बार और, तो बिल्कुल सेट हो गया है, हम देख सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करते जा।
थैंक यू मेरे दोस्तों। देखिए बन के रेडी हो गया। ओके बिल्कुल।